हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन गार्डनिंग एंड क्रिएटिव आर्ट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कार्डमम प्लांट का रिपोर्टिंग। कार्डमम प्लांट मतलब छोटे इलायची का प्लांट, जिसको हरी इलायची भी बोलते हैं। तो आज से ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पहले मुझे एक छोटा सा बेबी प्लांट छोटा सा पॉट में किसी ने गिफ्ट किया था और उन्होंने कहा था 3 साल इसको बचा के रखना है, तभी इसमें से इलायची मिलेगा। तो तभी मेरे पास ये 8 इंचेस पॉट था, उसी में मैंने लगाया था और बारिश का मौसम में तो इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया। देखिए, एक छोटा सा प्लांट से कितना ज़्यादा प्लांट ग्रो हो गया। तो अभी मुझे लगता है इसको रिपोर्टिंग करना चाहिए, एकदम रूट बाउंड हो चुका है ये। और इसको मैं अभी 12 इंचेस पॉट पर लगा दूंगी। तो मैं ये जो गार्डनर भाई है इसका हेल्प ले रही हूँ। अभी अभी इन्होंने पॉटिंग सॉयल बनाया, पॉटिंग मिक्स, तो अभी इसको उसी सॉयल में इसको रिपोर्टिंग कर देगा। और ये देखिए, ये रूट बाउंड हो चुका है और इसके जो रूट्स है इस पे राइजम्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। तो इसका रिपोर्टिंग के टाइम ये जो मिट्टी, पुराने जो मिट्टी है इसको हटाना चाहिए और बहुत ध्यान से हटाना चाहिए। देखिए, ये तो काफी एक्सपीरियंस है, तो धीरे धीरे मिट्टी को हटा रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो एक टब में पानी लेके आप मिट्टी को उसमें भिगवा के रखना प्लांट्स को, तो सारा मिट्टी निकल जाएगा, तभी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब रूट में बिल्कुल चोट नहीं पहुंचना चाहिए। और इसका जो एक्स्ट्रा रूट्स है ये काट के फेंक रहे हैं, क्योंकि 12 इंच स्पॉट में फिर इसका रूट ग्रो हो जाएगा। और अगर अभी इसमें जो और मतलब प्लांट्स को अलग भी कर चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अब नहीं करूंगी। मैं सारे जितना प्लांट्स है मैं एक ही पॉट में अभी लगा दूंगी फिलहाल। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका केयर और प्रोपगेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो डाल दूंगी, आप देख लेना। और देखिए कितने धीरे धीरे इसका मिट्टी को हटा रहा है और जो सूखे पत्ते हैं उसको भी साफ कर रहा है। तो अभी इसको जो अभी पॉटिंग मिक्स बनाया उसी में लगाएंगे। और इसके लिए बहुत वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, और वेल ड्रेन सॉइल के लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रिवर सैंड, एक हिस्सा कोकोपिट और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट मिला लिया। और मेरा जो पहले वाला जो गार्डन सॉइल था उसी में कुछ किचन कंपोस्ट में ऑलरेडी मिला हुआ था। तो ऐसे आपके पास जो भी कंपोस्ट है आप डाल सकते हैं। और ये जिस गमले में लगाएंगे बहुत मतलब ड्रेनेज होल ठीक से होना चाहिए। देखिए, ये जो गमले का टुकड़ा है ये लगा के ड्रेनेज होल सील कर रहा है, मतलब वाटर प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाए और मिट्टी ठीक से इसके अंदर रहे। तो अभी पॉट को सेट कर रहा है ऐसे टुकड़े, गमले का टुकड़े देकर। और एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो प्लांट है इसका तो ये हाई फीडर प्लांट नहीं है, इसका फर्टिलाइज का लेजर का रिक्वायरमेंट कम है। मतलब अभी एक बार कंपोस्ट में इसको अगर आप लगा देंगे तो साल में अगर एक बार करें तो ही काफ़ी है। और इस पर कभी केमिकल फर्टिलाइजर या तो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स मत डालना, क्योंकि ये एडिबल प्लांट है और इस पर इन्फेस्टेशन इतना नहीं होता है प्रॉब्लम। अगर कभी हो जाए फिर भी तो आप नीम ऑयल स्प्रे करें या तो मतलब ऑर्गेनिक कुछ भी इंसेक्टिसाइड या तो कुछ फर्टिलाइजर इस पे दे, इस पे बिल्कुल केमिकल यूज ना करें क्योंकि एडिबल प्लांट है। और वाटरिंग भी इसको बहुत ध्यान से करें। समर में तो इसको आपका सिटी के क्लाइमेट के अनुसार आप 2 दिन या 3 दिन कर सकते हैं, और ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाता है। और बारिश में इसको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है वाटर का, और विंटर में आप बिल्कुल टॉप सॉइल चेक करके तभी वाटरिंग करें। तो यही कुछ चीज अगर आप ध्यान में रखें तो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। देखिए, मेरा प्लांट का अभी काफी अच्छा ग्रोथ हो गया बारिश के बाद। अब इसको रिपोर्टिंग करके देखते हैं। और मैं और साइड में जो प्लांट्स निकल है मैं अलग नहीं करूंगी अभी फिलहाल। तो ये देखिए लगा रहे और पॉटिंग मिक्स भी डाल दिया। अभी इसको वाटरिंग करके बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे कुछ दिन, 4-5 दिन। इसके बाद इसको थोड़ा सा जहाँ पे ब्राइट लाइट है इसी टाइप
की जगह में शिफ्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका केयर बहुत इजी केयर है, और प्लांट्स का जब ग्रोथ हो जाएगा तो रिपोर्टिंग करना चाहिए, नहीं तो रूट बाउंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यही तक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।